जी क्लास आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है जिसके अंदर मैं नहीं चाह रही थी कि इसका चले। एनीवे ये मैंने आपके सामने बैठे स्क्रीन शेयर की है जिसके अंदर पिछली जो हम लोगों ने बायोनर्जेटिक्स का पार्ट 1, 2 और 3 और 4 किया है उसका थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू है, जिसके अंदर यू कैन सी कि ग्लूकोज इज एंट्री इनटू द सेल और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट के पास ग्लूकोज से जो हमारे पास ब्रेक डाउन करके बना इसके पास बहुत से पाथवेज हैं, एटलीस्ट यहाँ पे 4 मैंने आपको दिखाए हैं जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जिनके अंदर ये पायरुवेट मॉलिक्यूल है जो कि एंटर हो सकता है। बट जो इसकी मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशन है, मतलब जब एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेट होती है तो मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशन पायरुवेट की क्या होती है कि ये प्रोड्यूस करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, और हियर यू कैन सी कि क्रेब्स साइकिल या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं ये इनके प्रोसेसेस में से गुजरने के बाद इट इवेंचुअली जनरेट्स एनएडीएच मॉलिक्यूल एंड एफएडीएच2 मॉलिक्यूल। राइट, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था जी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ये एनएडीएच मॉलिक्यूल और एफएडीएच2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, और ये मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज दे कैरी द इलेक्ट्रॉन्स, और जितने भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के रिएक्शन हैं जो कि इवेंचुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और रिजल्ट के अंदर एटीपी प्रोडक्शन जिनके अंदर होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज वन। अगर हमारे पास एनएडीएच और एफएडीएच मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म इनकी नहीं होगी, तो आगे चलने वाले तमाम प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है और उसके बाद एटीपी की सिंथेसिस जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नहीं होंगे। ओके, लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके 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 व्हाई इज इट नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दिस एनिमेशन। एनी वे यहाँ पर बेटे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ओके ये बेटे आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं आप यहाँ पर। हफ्सा बेटे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि शेयरिंग इज पॉज्ड। मैम शो हो रही है। हो रही है, चलेंगे जी। आप लोगों के सामने बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो दिखाई गई है, जिसके अंदर यू कैन सी कि ये जो ब्लू कलर की हम पर डबल मेम्ब्रेन है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आप देख लें कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास मैंने कम्प्लेक्सेस बीच में बताए हैं, जैसे कि ब्लू कलर का पहले आपको कम्प्लेक्स 1 नज़र आ रहा है, फिर कम्प्लेक्स 2 जो ग्रीन दैट इज़ ऑल्सो ब्लू, एंड देन उसके बाद ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ये मुख्तलिफ इसके अंदर कम्प्लेक्सेस हैं जिनके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इन तमाम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है, और इस ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिस इज एक्चुअली व्हाट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसके अंदर जो फर्स्ट आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं जिनके अंदर यू कैन सी ये येलो कलर के हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही है जी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं दे आर बीइंग पुश्ड आउटसाइड, और ये जो हमारे पास ये पूरा ये सेटअप बन रहा है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट के अंदर। जो इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है जो आप देख सकते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स जो कि बाहर की तरफ पुश किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक कैरियर या एक कम्प्लेक्स से दूसरी कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, ये वाला पार्ट कहलाता है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जबकि एंड के अंदर आपको एक कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है जिसका नाम मैंने एटीपी सिंथेज लिखा हुआ है, ये वो पार्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट जनरेट होता है आउटसाइड एंड इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इस ग्रेडियंट को यूटिलाइज करते हुए एटीपी की सिंथेसिस करता है। क्योंकि ये एटीपी की सिंथेसिस कर रहा है इस वजह से हम इसको एटीपी सिंथेस कहेंगे, और ये जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को केमियोसिस ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास वो कंपोनेंट है मेटाबॉलिक पाथवेज का जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, और ये वो पार्ट है जहाँ पर सीरीज होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की, जो कि एक फॉर एग्जांपल जैसे कि रिले रेस होती है ना,
उसी तरह जिसके अंदर एक बंदा जो है वो कैरी करके आगे दूसरे बंदे को ट्रांसफर करता है जो उसने कैरी किया होता है एक रॉड सा या जो भी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिले रेस की तरह ही होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैपिडली ट्रांसफर होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर के पास और इवेंचुअली वो लास्ट कैरियर के पास पहुँचते हैं और लास्ट कैरियर के पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद होता है, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मौजूद होती है जो कि आयरन की वजह से, और मैं आपको उसका अभी केमिकल स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, जिसकी वजह से ये इट इज हेल्ड देयर और दैट ऑक्सीजन विच इज हेल्ड इन द लास्ट कम्प्लेक्स के अंदर इट इज टाइटली हेल्ड और इट फाइनली एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन एंड देन इट इज कन्वर्टेड इन टू वाटर, राइट। तो जो टोटल हमारे पास ओवरऑल जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वी आर एबल टू प्रोड्यूस दिस वाटर मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द या एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच रिड्यूस द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दिस एंटायर प्रोसेस इज नेम्ड एज सेलुलर रिस्पायरेशन। और इसको अगर हम फर्दर स्प्लिट करें तो हमारे पास इसके अंदर दो पार्ट है, एक जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं जिसमें कम्प्लेक्सेस हैं और दूसरा पार्ट जिसको हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस केमी ऑस्मोसिस पार्ट के अंदर क्या है, वी आर प्रोड्यूसिंग what ATP molecule. Okay, let me go to the next slide. जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्सप्लेन करने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी लोकेशन क्या है और इसके कंपोनेंट क्या हैं और किस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट को कैरी करने के लिए यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं, कौन कौन से कम्प्लेक्स मौजूद हैं। आप देखें जी, मैंने ब्लू कलर की लाइन के अंदर लिखा हुआ जी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर पार्ट है जो कि साइटोसोल के साथ कनेक्टेड है। देन यू कैन सी द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि दो ब्लैक लाइंस के बीच में लिखा है मैंने। राइट साइड के ऊपर यू कैन ऑल्सो सी अ माइटोकॉन्ड्रिया और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप आउटर मेम्ब्रेन भी देख सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो सी द इनर या मेम्ब्रेन स्पेस जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस मौजूद है। देन यू हैव द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड्स की फॉर्म में, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है, फोल्ड्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है। एंड देन वी हैव इनसाइड दीज फोल्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल फोल्डेड मेम्ब्रेन की और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, जिनका आपको पता होना चाहिए बिफोर के आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल के अंदर पढ़ें। यहाँ पर राइट साइड पे ग्रे कलर के पार्ट के अंदर यू कैन सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी एनाटॉमी आपके सामने मौजूद है और ये प्रॉपर्टीज बेटे आप लोगों को आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करती हूँ। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को ये पूरे साइटोसोल से सेपरेट करती है एंड दिस मेम्ब्रेन इज स्पेशल बिकॉज इट इज कम्प्लीटली परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास आयंस और मॉलिक्यूल्स हमारे साइटोसोल के अंदर मौजूद हैं, दे कैन फ्रीली मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसके अंदर ये आ सकते हैं बिकॉज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज परमिएबल, ठीक है। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, मतलब ये कि दे आर पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड दीज प्रोटीन्स हैव दिस एबिलिटी कि ये हमारे पास एज चैनल्स या फिर एज ट्रांसपोर्टर्स या एज गेट्स काम करती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा हमारे पास कुछ जैसे कि हाइड्रोजन आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ATP मॉलिक्यूल्स हो गए, इन तमाम की ट्रांसपोर्ट के लिए दिस इज ये गेट्स के तौर पर काम करते हैं। और इन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम एक जनरल नाम देते हैं जिनको पोरेंस कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं जी अपनी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या खास बात मौजूद है जी, ये स्पेस के अंदर मौजूद है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये ज्यादातर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस, इवन कि अगर मैं प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस की बात भी करूं, इन तमाम चीजों के लिए भी इम्परमिएबल है। मतलब कि कुछ खास स्पीशीज हैं जो कि इसमें से गुजर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, बेशक वो प्रोटॉन्स ही क्यों ना हो, मतलब हाइड्रोजन आयंस ही क्यों ना हो, वो इसमें से गुजर नहीं सकते। और वो स्पेशल स्पीशीज जो कि इसमें से गुजर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल या स्पेसिफिक किस्म के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अगर वो ट्रांसपोर्टर्स वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ओके, इसके अलावा जो हमारी जो ये रिस्पिरेटरी चेन है या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और साथ में केमी ऑस्मोसिस मैंने आपको बताई है जिसके थ्रू ATP की सिंथेसिस हो रही है, मतलब ETC और ATP सिंथेस का जो वहाँ पर टोटल कॉम्प्लेक्स है, ये तमाम कॉम्प्लेक्स हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये तमाम कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यू नो कि ये बहुत ही कॉन्वोलेटेड है, इसका मतलब इसका सर्फेस एरिया
बहुत ही ज्यादा है और इसके अंदर इंटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है मैट्रिक्स मौजूद है और इस मैट्रिक्स के अंदर ज्यादातर क्या पाया जाता है, बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ये इसके अलावा और भी बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि TCA साइकिल के अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर इवन के अमाइनो एसिड की ऑक्सीडेशन. इन तमाम पाथवेज के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तमाम एंजाइम, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. यहाँ पर सिर्फ वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले एंजाइम नहीं पाए जाते जो कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल के अंदर होता है, राइट. अब ये जो हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसकी जो सिलेक्टिविटी है, ये क्या करती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द साइटोसोलिक पाथवेज, साइटोसोलिक जो पाथवेज हैं उनको, और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवेज हैं इनको एक दूसरे से सेपरेट करती है. नहीं तो डिहाइड्रोजनेजेस हैं जो कि साइटोसोल के अंदर भी मौजूद होंगे लेकिन मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे, उन पाथवेज को सेपरेट करने के लिए वी हैव दिस, यू कैन से ये हमारे पास एक परमिएबल बैरियर है जो कि नेचर ने बनाया है फॉर दोज प्रोसेसेस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास होगी जी इसकी कुछ खास बातें हो गई. इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के, सिंस यू नो कि हमारे ज्यादातर जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो लिवर के अंदर होते हैं, इसके अलावा हमारे कौन कौन से सेल्स हैं जिनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं जो कि हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं या स्केलेटल मसल्स हैं, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स उनको तब एनर्जी चाहिए होती है. हमारा जो ब्रेन है उसको एनर्जी चाहिए हर टाइम, क्योंकि दिमाग जब तक हम जिंदा है हर वक्त, इवन के हमारे सोते में भी हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है. इसके अलावा यू ऑल्सो नो कि हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं, ये जो हार्ट के जो मसल्स हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्सिंग. बेटे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड और इससे रिकॉर्डिंग खराब होती है, ठीक है. एनीवे, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए दे रिक्वायर एनर्जी. मतलब ये कि वहाँ पर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस, मेजरली कैटाबॉलिक पाथवेज जो हैं दे हैव टू टेक प्लेस. तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है इन इन ऑल दोज ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिवर की बात करूँ तो लिवर के अंदर यू कैन से कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, यानी मसल्स के अंदर या स्मूथ मसल्स के अंदर या ब्लड सेल्स के अंदर. इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या तो नहीं होगा या फिर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर मौजूद होगा. और अगर हम एक लिवर के एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर 10,000 सेट्स मौजूद हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या रिस्पिरेशन के चेन, जिसके ना ATP सिंथेस मॉलिक्यूल भी आ जाता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर दिखाया. 10,000 सेट्स मौजूद हैं जो कि पूरी मेम्ब्रेन की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद है. अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो हार्ट यू नो कि वहां पर कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए, वहां पर कॉन्स्टेंट ATP की नीड है, तो वहां पर लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के मुकाबले में 3 times ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सेट्स मौजूद होते हैं, राइट. तो यू कैन से कि जितनी ज़्यादा किसी भी ऑर्गन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उतनी ज़्यादा वहाँ पे मौजूद होंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, उतने ज़्यादा मौजूद होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर दी सेक ऑफ प्रोवाइडिंग ATP जब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है वो पहुँचेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास, ओके आई हैव टू राइट. नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए जी, ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है अंदर वाली साइड के ऊपर, और इस सरफेस के ऊपर हमारा ये एक सेट है जो कि मैंने आपको बताया कि 10,000 सेट्स मौजूद होते हैं उसके अंदर. ये एक सेट है जिसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. इसके अंदर यू सी ये मैंने जो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और ये सर्कल बनाया हुआ है, ये ब्लू पिंक ग्रीन और उसके बाद ये येलो ऑरेंज, एंड देन वी हैव ATP सिंथेस, ये कम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 and 5. इसके बीच में हमारे पास कोएंजाइम क्यू साइट to chrome C. This part is called as electron transport chain, जबकि जो हमारे पास जो red वाला part है, this is called as chemiosmosis, ठीक है. अब इस पूरे पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये टोटल जो है 5 कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं, जिसके अंदर 1 जो सब ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, पिंक कलर से मैंने 2 रिप्रेजेंट किया, देन ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, देन उसके बाद रेड है. इसके अंदर कम्प्लेक्स 1 से लेकर कम्प्लेक्स 4 तक. फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्प्लेक्स क्या होता है? कम्प्लेक्स कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कोई भी
एटम होता है, कोई भी आयन होता है जो कि, या फिर इवन के अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो कोई भी प्रोटीन होती है जो कि अपने सराउंडिंग एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल या प्रोटीन्स के साथ वीकली कनेक्टेड होती है, राइट। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो पहला पार्ट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कम्प्लेक्स वन से लेकर कम्प्लेक्स फोर तक देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ये चार कम्प्लेक्सेज जो हैं ये मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम वन पार्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स फोर तक। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होगी। यहाँ पर यू कैन ऑल्सो सी कि हमारे पास जो कोएंजाइम क्यू है और साइटोक्रोम सी है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन कम्प्लेक्सेस का पार्ट है, और यू कैन सी कि जो कम्प्लेक्स टू है उसके साथ कोएंजाइम क्यू है, जबकि हमारे पास जो कम्प्लेक्स थ्री और फोर है इनके बीच में साइटोक्रोम सी है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स डोनर हैं, ठीक है। बाकी कैरियर्स हैं, ये एक्सेप्टर्स हैं या फिर डोनर हैं। उसके बाद रेड साइड पे आप जो देख रही हैं, रेड कलर का यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज हमारे पास ये एंजाइम है, ये हमारे पास पूरी एक प्रोटीन है, और इसके दो बेसिकली पार्ट होते हैं। एक में इसका पार्ट जो होता है वो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी आउटसाइड वाली इस पार्ट पे होता है, जिसको मतलब समझने के ये जो त्रिकोण बनी है, ये जो ट्रायंगल बना है, इसकी जो टॉप है दिस इज आउटसाइड, जबकि जो नीचे वाला जिसका पार्ट है ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और जो कम्प्लेक्स फाइव है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जी एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेज इसका नाम है, और ये जो प्रोसेस जो करता है एटीपी की सिंथेसिस करता है, डिपेंडिंग अपॉन यू कैन से के डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट होता है, मतलब कितना डिफरेंस होता है, उसके ऊपर इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोसिस कहते हैं, ओके। ये बेसिक कंपोनेंट थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर ओके ये हमारे पास आप ये देख सकते हैं, दिस इज कम्प्लेक्स वन, दिस इज कम्प्लेक्स टू, दिस इज कम्प्लेक्स थ्री एंड दिस इज कम्प्लेक्स नंबर फोर, एंड दीज कम्प्लेक्सेस के साथ आप मैंने देखें कि यहाँ पर मैंने एनजाइम्स का नाम भी लिखा है, और साथ में इसके अंदर यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन कैरियर, कम्प्लेक्स वन के अंदर आप यहाँ पर देखें वी हैव दिस इज कम्प्लेक्स 1, 2, 3 and 4 and these, ये जिसके अंदर purple lines हैं, ये represent कर रही हैं इनके बीच में जो series हो रही है reaction की, right? इसके अलावा आप यहाँ पर red color के box के अंदर देख सकते हैं, इसको कहते हैं जी आयरन सल्फर सेंटर। ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स वन जिसको हम NADH डीहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टू इज ऑल्सो कॉल्ड सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, देन कॉम्प्लेक्स थ्री है विच इज कनेक्टेड विद दिस, इसको हम साइटोक्रोम BC1 भी कहते हैं, और इस वाले को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी कहते हैं। यू सी ऑक्सीडेज, डीहाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज, दीज आर ऑल एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड जहाँ पर डीहाइड्रोजनेज है रिडक्शन, और जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ ये इन्वॉल्व होंगे तो ये किसी सब्सट्रेट को जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, साथ में इनके पास हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे विच विल गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड इन अ साइक्लिक मैनर। यहाँ पर वी ऑल्सो सी FMN मॉलिक्यूल एंड FADH मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास जब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस लिंक होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, देन दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इंडिविजुअली बताती जाती हूँ कि जी कम्प्लेक्स वन जो सा है वो क्या करता है, कम्प्लेक्स टू क्या करता है, कम्प्लेक्स थ्री इनके अंदर क्या रिएक्शन होते हैं। कम्प्लेक्स वन को देखिए, कम्प्लेक्स वन के अंदर हमारे पास वी हैव अ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल FMN हमारे पास मौजूद है, और एक एंजाइम हमारे पास मैंने आपको बताया कि दिस के अंदर ये इसको मैंने डिहाइड्रोजनेज का नाम दिया है, दिस कंटेन्स ए आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है। आयरन सल्फर सेंटर ये एक समझ लें कैरेक्टरिस्टिक केमिकल ग्रुप है जो कि पाया जाता है इन तमाम साइटोक्रोम्स के अंदर, राइट। और इसका क्योंकि यू नो आयरन हैज दिस एबिलिटी के ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है, देन दिस हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पर जब हमारे पास क्या होता है जी, यू सी के NADH जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही है, NAD इज बीइंग रिड्यूस्ड, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू NADH बाय द हेल्प ऑफ द डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। वो क्या करता है कि दो प्रोटॉन्स को रिमूव करता है जी। डू यू हैव अ क्वेश्चन? नो बेटा, प्लीज खुद को म्यूट करके रखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। एनीवे ये क्या होता है कि जी हमारे पास NADH जो सा है हमारे पास जनरेट हुआ, रिजल्ट में क्या हुआ कि दो प्रोटॉन्स जो से हैं वो रिमूव हो गए फ्रॉम द सबस्ट्रेट,
बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों जो हमारे पास NADH मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है और एक प्रोटॉन को कैरी करता है, ठीक है, और बाकी एक प्रोटॉन जो है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास NAD मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस वन प्रोटॉन और एक फ्री प्रोटॉन्स यहाँ पर जनरेट हो जाता है। अब ये जो फ्री प्रोटॉन यहाँ पर जनरेट होता है, ये वो प्रोटॉन है दैट विल बी ट्रांसफर्ड, जो हमारे पास ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वन के अंदर यू सी फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फर्स्ट हमारे पर रिडक्शन रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टिंग टू इलेक्ट्रॉन्स वन प्रोटॉन एंड वन प्रोटॉन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्री। यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए कि इसके साथ कपल्ड रिएक्शन है जिसके अंदर वी हैव FMN मॉलिक्यूल, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, जो कि क्या करता है कि दो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है इंटू FMNH2। NAD डीहाइड्रोजनेज जो सा है इसके अंदर ये जो, क्योंकि ये एंजाइम है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक आयरन जो सा एटम है ये चार सल्फर ग्रुप के साथ, जो आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यू कैन सी कि हमारे पास एक आयरन है और उसके साथ चार सल्फर ग्रुप्स हैं जो कि अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वी हैव दिस सेंट्रल आयरन 1, 2, 3 and 4, चार इसके साथ हमारे पास वी हैव दिस, और ये आप साइटोक्रोम इसका पार्ट देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आयरन सेंटर सेंटर, आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है। क्या होता है कि इसके अंदर यू कैन सी के वी हैव दिस वन आयरन विच इज कम्प्लेक्स्ड विद फोर सल्फर्स, और ये हमारे पास ये जो इसके अंदर ये जो कम्प्लेक्स या ये जो क्यूब आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है कम्प्लेक्स वन के डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के अंदर, बिकॉज यू सी के ये एंजाइम है, इसके अंदर एक बात ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, और पोटेंशियल की रीजन जो है वो ये आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि हमारे पास ये कम्प्लेक्स वन क्या करता है कि ये जो इसका आयरन सल्फर सेंटर है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन जो कि आई मीन कम्प्लेक्स वन क्या करता है, एक रिएक्शन के अंदर, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या करता है, फोर हाइड्रोजन आयन्स को पुश करता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, बाहर की तरफ इसको पुश कर देता है, रिजल्ट के अंदर हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे पास जो ट्रांसफर होती है प्रोटॉन्स की, ये ना सिर्फ एंड के अंदर केमियोस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बल्कि हमारे पास कोएंजाइम क्यू जो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहा है, कोएंजाइम क्यू जो है वो उसकी भी एक्टिवेशन डिपेंड करती है अपॉन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस प्रोटॉन, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आगे जाके कोएंजाइम क्यू जो है उसको भी एक्टिवेट करते हैं। ये जो कोएंजाइम क्यों है, इसका एक और नाम भी, इसको यूबिक्विनोन भी कहते हैं, यूबिक्विनोन वर्ड निकला है यूबिक्विटन, मतलब यूबिक्विटस, मतलब वो चीज़ जो कि हर जगह पाई जाए, राइट। तो ये हमारे जो कोएंजाइम क्यू है, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्विनोन कहते हैं, यूबिक्विनोन कहते हैं, और ये दिस इज यूबिक्विटस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, और ये दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन साइड द सेल। एनीवे, ये कोएंजाइम क्यू करता है का काम क्या है जी, मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उनको क्या कर सकता है, ये एक मोबाइल कैरियर है, ठीक है। मोबाइल कैरियर मतलब ये कि ये चीज़ों को प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे उनको ट्रांसफर कर सकता है। सो ये क्या करता है कि ये जो हमारे पास FMNH2 मॉलिक्यूल है और NADH डीहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स का जो पार्ट है, जो कि आगे जाके हमारे पास FADH2 जो उनसे उसको जनरेशन कर रहा है, यहाँ पर ये कोएंजाइम क्यू इज ये समझ लें कि ये फ्रीली मूव करता है बिटवीन दीज कम्प्लेक्सेस, और ये इसकी फ्री मूवमेंट की एक रीजन ये भी है कि ये लिपिड बेस्ड होता है, मतलब लिपिड सॉल्युबल होता है, और आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं, तो ये कोएंजाइम क्यू जो है दिस कैन मूव बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्सेस टू कैरी द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को ये कैरी कर सकता है, फ्रीली ये मूव कर सकता है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकता है, एंड दिस इज व्हाई दिस इज फॉर्मिंग अ कनेक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू। ओके, अब कम्प्लेक्स टू को आप देखिए, जो हमारे पास कम्प्लेक्स टू है ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ये जी डायरेक्टली FADH2 मॉलिक्यूल है इसको एक्सेप्ट करता है, और कोएंजाइम क्यू करता है क्या, इस दौरान क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है जो कि उसने NADH कम्प्लेक्स वन से लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, इफ यू कैन सी माय माउस, यहाँ पर हमारे पास सब्सट्रेट रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुई, NAD इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू NADH, दीज NADH आर बीइंग कन्वर्टेड बैक इनटू, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कर रही है FMN मॉलिक्यूल से FADH2 मॉलिक्यूल, एंड दीज प्रोटॉन्स यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रोटॉन्स थे, दीज आर बीइंग कैरीड बाय कोएंजाइम क्यू विच कैन फ्रीली मूव बिटवीन दीज थ्री कॉम्प्लेक्सेस, इन तीन कॉम्प्लेक्सेस को आपस में ये कनेक्ट कर रहा है बाय एक्सेप्टिंग
इलेक्ट्रॉन और कोएंजाइम क्यू इन तीनों के साथ फ्रीली मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि दिस इज लिपिड बेस्ड. ओके, एंजाइम क्यू की हमारे पास जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, इस रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर यू कैन सी इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम हेयर, बट इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स फ्रॉम दिस साइड, मतलब कॉम्प्लेक्स टू से भी ये इसको कन्वर्ट कर रहा है. और यहाँ पर हमारे पास जो सब्सट्रेट है दैट इज सक्सिनेट, विच इज बींग कन्वर्टेड टू फ्यूमरेट, और यहाँ पर दिस इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. यहाँ पर यू कैन सी के यहाँ पर ये कोएंजाइम क्यू दिस इज ट्रांसपोर्टिंग, इस दौरान हमारे पास चार प्रोटॉन्स थे जो कि इनर से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ पुश हो गए. कोएंजाइम क्यों, जब इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, दिस इज ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हमारे पास 3 है जिसको हम साइटोक्रोम BC1 भी कहते हैं. दिस यहां पर भी इट आल्सो हैज दैट, ये जो इसके अंदर ये आपको दिखा रहे हैं ना, ये जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस थे इनके अंदर मौजूद था वो जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको दिखाया था, एक आयरन जिसके साथ हमारे पास चार सल्फर थे जो कि कनेक्टेड थे इन दोनों के अंदर. यहां पर हमारे पास साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम A+A3, मतलब ये कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4, इनके पास एक हीम ग्रुप की तरह का आयरन सेंटर होता है. हीम ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को प्रोटीन्स के बारे में बताऊंगी. इन जनरल मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके सामने जो एक रिंग बना हुआ है, खास इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेंटर के अंदर यहाँ पर ये जो रेड वाला है दिस इज आयरन एंड दिस इज सराउंडेड बाय ए सर्टन रिंग, ठीक है, इसको हम पॉरफायरिन रिंग कहते हैं. ये वाला रिंग का सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, और वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करने की एबिलिटी होती है सेंट्रल आयरन के अंदर. ओके, इस पॉरफायरिन रिंग के अंदर यहाँ पर दिस इज नॉट कैरिंग ऑक्सीजन बट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आयरन मॉलिक्यूल होता है, व्हेन दिस इज ऑक्सीडाइज्ड दिस आयरन मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड, और उसके बाद यू सी कि ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स फेरस टू फेरिक आयन के अंदर चेंज हो रहा है. एंड देन यहाँ पर ये वाला हमारे पास आयरन है विच इज बींग कन्वर्टेड इंटू फेरस से फेरिक आयन के अंदर, दिस इज बींग कन्वर्टेड. ओके राइट, उसके बाद कम्प्लेक्स 3 के बारे में मैं आप लोगों को एक दो बातें जो सी हैं वो और बता दूं कि ये हमारे पास जो आयरन की जो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है विच इज Fe+2 जो हमारे पास फॉर्म है, और Fe+3 जो इसकी फेरिक फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. ये इसकी एक्टिविटी जो सी है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ लिटिल डिफरेंट, मतलब इसके अंदर सिर्फ हीम ग्रुप के अंदर और इस वाले पॉरफेरिन के अंदर जो साइटोक्रोम 3 और 4 के अंदर पाया जाता है, इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनके साथ जो कनेक्टेड प्रोटीन्स होती हैं ना, दे आर डिफरेंट, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है. अब ये कम्प्लेक्स 3 क्या करता है, ये प्रोटॉन्स को पंप करता है थ्रू द मेम्ब्रेन, और ये इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू फॉर ट्रांसपोर्ट टू द फोर्थ कम्प्लेक्स, मतलब कम्प्लेक्स नंबर 4 जो हमारे पास है. और साइटोक्रोम सी इसमें क्या है, ये भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और एक्सेप्ट करने के बाद जब इसको ट्रांसफर करेगा देन इट इज गोइंग टू बी ए इलेक्ट्रॉन का ये डोनर भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्टर और डोनर दोनों के तौर पे टाइम एट अ टाइम काम कर सकता है. कम्प्लेक्स 4 को देखिए, कम्प्लेक्स 4 के अंदर यू हैव दिस इज यू नो दिस इज कम्पोज ऑफ साइटोक्रोम प्रोटीन सी है, इसके अंदर ए है और A3 है, तीन साइटोक्रोम प्रोटीन्स हैं जिससे ये मिलके बना हुआ है. इसके पास ये जो हीम मैंने आपको ग्रुप बताया था, इसके पास दो इस तरह के हीम ग्रुप मौजूद होते हैं, इसके अलावा इसके पास तीन कॉपर आयंस मौजूद होते हैं. और ये जो हमारे पास हीम ग्रुप होते हैं और ये जो कॉपर आयंस होते हैं, इनके पास खास बात क्या होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉपर आयन एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीम ग्रुप, दे आर टाइटली होल्डिंग एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बहुत टाइटली इन्होंने पकड़ा होता है, और इसको तब तक वो पकड़ के रखते हैं जब तक ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हो जाती फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग इन. जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसके पास आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था जिसके अंदर इवेंचुअल रिएक्शन क्या था, इसके अंदर क्या इवेंचुअल रिएक्शन था, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर के ऑक्सीजन जोन सी है उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, रिजल्ट के अंदर उसने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर देना है. तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये इन दो हीम ग्रुप्स के बीच में अलॉन्ग विद 3 कॉपर आयंस, दिस इज हेल्ड टाइटली अंटिल इट इज कम्प्लीटली इट इज यू कैन से ये रिड्यूस हो जाए. और जब तक ये कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होती, ये इस ये पॉरफायरिन रिंग वाले जाले में से ये निकल नहीं सकती. ओके, तो वी हैव दिस
फोर्थ कॉम्प्लेक्स जिसको मैंने आपको नाम बताया जी साइटोक्रोम सी ए और ए थ्री, जिसके अंदर तीन प्रोटीन्स हैं. दिस इज होल्डिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इन्होंने होल्ड की हुई है और इट इज गोइंग टू होल्ड दिस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अनलेस एंड अंटिल इट इज कम्प्लीटली रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट आर फ्लोइंग इन, राइट. ओके, ये हमारे पास अब आप देख लीजिए कि दोबारा वही वाला मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया. देन वी आर गोइंग टू डू केमियोस्मोसिस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारी जो ऑक्सीजन है फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर दिस इज रिड्यूस एंड वाटर जोन सा वो यहाँ पर रिलीज हो गया. ओके, अब उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है जी एटीपी सिंथेस की. इसके लिए यू कैन सी दिस स्लाइड को आप देख लें. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ओके आए तो आई डोंट नो एनिमेशन चलेगी कि नहीं चलेगी. एनीवे इसको चला देते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, लास्ट आप पार्ट देखिए. इसके अंदर जी यू कैन सी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मूवमेंट कंप्लीट हो गई. कंप्लीट के मूवमेंट के दौरान हमारे पास क्या हुआ कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी ट्रांसपोर्ट हुई फ्रॉम कम्प्लेक्स वन टू कम्प्लेक्स फोर और ट्रांसपोर्ट के बाद वी वर एबल टू कम्प्लीट रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और वाटर जो है वो वापस रिलीज हो गया. इस दौरान यू कैन सी कि हमारे पास जो प्रोटॉन्स थे दे वर बीइंग कॉन्स्टेंटली पम्प्ड. जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे थे इनके अंदर वी हैड NADH एंड FADH मॉलिक्यूल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम कर रहे थे. और इस दौरान हमारे पास क्या हो रहा था कि जो प्रोटॉन्स हैं दे आर बीइंग पम्प्ड आउटसाइड. ये जो ब्लू वाला पार्ट है आउटर पार्ट है हमारे पास इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, यहाँ पर ये प्रोटॉन्स जो है वो पंप हो रहे थे. प्रोटॉन जब इसके अंदर पंप होंगे रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई हो जाएगी. प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी इसका मतलब है कि इधर का पीएच लो होगा एज कम्पेयर टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारे पास मेम्ब्रेन है इसका So we have this inner mitochondrial membrane जिसका हमारे पास pH जो है वो high है, जबकि हमारे जो matrix है उसका pH हमारे पास high है, जबकि जो हमारे पास outer mitochondrial membrane जो है जो कि inter membrane space है between the outer and the inner mitochondrial membrane इसका जो pH है वो low है. अब ये pH क्या करता है कि ये जो आप right side के ऊपर ये complex देख सकते हैं, ठीक है, इसका ये आप दो part देख रहे हैं. एक हमारे पास इसका part है जो कि trans membrane है और एक इसका जो बाहर वाला पार्ट है ये इसका एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पार्ट है. और ये पार्ट क्या करता है कि ये इस पीएच ग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करता है एंड देन केमियोस्मोसिस टेक्स प्लेस. और केमियोस्मोसिस जो सा है इसको ये एक्चुअली बेस्ड है इनटू एक हाइपोथेसिस है जिसको हम केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस कहते हैं. इसके ऊपर ये सारा फिनोमेना है वो बेस्ड होता है, ठीक है. और ये हाइपोथेसिस बेसिकली हमें बताता क्या है, वो ये बताता है कि पीएच ग्रेडिएंट की वजह से एनर्जी जनरेट होती है. ये जो प्रोटॉन्स हैं दे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रोटॉन वी आर एबल टू दिस बिकॉज ऑफ द केमिकल एनर्जी विच इज जनरेटेड या केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो कि जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पीएच दिस इज यूज टू डिराइव द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स. और ये एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हमारे पास साइटोसोल के अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो बाकी केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे उनके थ्रू दे वर बीइंग जनरेटेड. ये जो है ये जनरेट हो रहे थे, ठीक है. तो ये ओके ओके यहाँ पर आप एटीपी सिंथेस जो सा उसका खाली आप स्ट्रक्चर देख लीजिए. यहाँ पर वी हैव एटीपी एंड एडीपी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दीज एटीपी एंड एडीपी आप देखिए कि दीज आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग व्हाट. ये यहाँ पर इसको जो आपको पिछली यहाँ पर डायग्राम दिखाई गई है ना, ये लास्ट वाला डायग्राम आप समझ लें कि ये इस डायग्राम को आप उलट लें, ठीक है. इसको जब हम उल्टेंगे तो यू कैन सी ये जो बल्ब वाला इसका जो पार्ट है इनके खास नाम है इसको हम कम्प्लेक्स फाइव ओवरऑल कहते हैं, लेकिन इसका जो ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एफ जीरो डोमेन और जो इसका जो बाहर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एफ वन डोमेन. तो ये एफ वन डोमेन ये जो बल्ब वाला पार्ट है ये मैं आपको इस डायग्राम के दिखाती हूँ, ये एफ वन डोमेन है. मैंने उस फिगर को समझने के उलट लिया है एंड यू कैन सी प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये जब पुश होता है इट इज एबल टू कन्वर्ट एडीपी मॉलिक्यूल इनटू एटीपी मॉलिक्यूल एंड ये जितने भी एटीपी मॉलिक्यूल ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये जाते हैं जी हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास. और मैंने आपको बताया था कि जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. और जो हमारा एक माइटोकॉन्ड्रियल मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कॉन्स्टेंटली इसमें से एटीपी दीज आर बीइंग
pushed out. Agar bahar ATP, these are actually utilized, but if they are like not utilized, to result mein kya hoga ki ye tamam processes slow ho jayenge. Okay? Ji, do you have any question? मैम, ये जो F1 डोमेन होता है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लाई नहीं करता? बेटे, ये जो F1 डोमेन है हमारे पास, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, मतलब F0, ये F0 और दूसरा F1 डोमेन है, ठीक है? ये यहाँ पर इस वाले फिगर के अंदर उलट बनाया हुआ है. ये वाला F0 ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करता है. यहाँ पर ये जो पार्ट है, मैं यहाँ पे पेन ऑन करके आपको बना के देती हूँ, ठीक है? ये समझ लें. Okay. ओके, देखिए, ओके, राइट, ठीक है. ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? ये हमारे पास, ये जो कॉम्प्लेक्स है, एटीपी सिंथेज है, ये इस तरह है, ठीक है? और ये इसका ऐसे बना लेते, ठीक है? सो दिस इज F1 डोमेन, ये F1 डोमेन है, और ये वाला हमारे पास F0 डोमेन है. ओके, समझे कि ये जो हमारे पास एटीपी है, उनकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? इस वाले पार्ट में हो रही है, ठीक है? दिस इज दिस. ओके, समझे? यस मैम, थैंक यू. और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? एनीवे बेटे, यहाँ पर आप लोगों का बायोनर्जेटिक्स का जो पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया है. आप लोगों का जो सेकंड सेशनल होगा, ये 3 मई से आपके सेकंड सेशनल स्टार्ट हो रहे हैं बेटे. वहाँ पर आपके जो बायोनर्जेटिक्स के हैं, इसके पिछली हमारे जो फर्स्ट सेशनल से के पार्ट में जो हमने कवर किया था, अब वो नहीं होगा. मतलब ये कि वो ना मैं आपको सेकंड सेशनल में पूछूंगी, ना ही टर्मिनल में पूछूंगी. फर्स्ट सेशनल के बाद से लेकर बायोनर्जेटिक्स का पार्ट 5 कंप्लीट आज तक जो हमने पढ़ा है, वो तमाम पार्ट आपके सेशनल नंबर 2 के अंदर इंक्लूड होगा. ओके, ओके मैम. नेक्स्ट वीक से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अमाइनो एसिड्स, और नेक्स्ट वीक से हम लोग जो पार्ट करना शुरू करेंगे, ऑल दैट पार्ट वुड बी इंक्लूडेड इन योर टर्मिनल एग्जाम, राइट? ओके, ये जो बेटा रिकॉर्डिंग है, दिस विल बी अवेलेबल ऑन MS Teams. इसके अलावा मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जो है, जिसके अंदर में भी यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हूँ, जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है. जो मैंने आपको लिंक दी है वहाँ पर भी मौजूद है. आप उसको देखिए, और उसको देखने के बाद आप ये एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर देखिए. क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि जो रिकॉर्डेड चीज़ होती है, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्ड किए, उसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ बताई होती है, या मैंने उधर कोई चीज़ इतनी एक्सप्लेन नहीं की होती जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी होती है, तो उन दोनों लेक्चर्स को प्लीज़ देखना जो है वो आप लोगों के लिए, yeah, I mean, it's important. Okay? So if you don't have any question, I will have to end the class because I have another class after your class. Okay? You don't have any question? No, ma'am. Okay. Then I'll, inshallah, I will see you on next Monday. Okay? Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am.